बहादुर के ये सुनो, दो छतरी को युद्ध रोकने का कारण क्या है मां? बेटा निदल, अरे तेरा दोनों के जोर बहुत बराबर है ना, तो हमार बात मान लो, तो दोनों अपन अपन घर बसा के तू अपने दोनों दोस्ती लगा ला, तोरा दोनों के बराबर जोर है बेटा। क्या मां और रुदन सिंह का चोर बराबर है? हाँ बेटा। क्या अमर सिंह को साथ रुदन सिंह को दोस्ती करना पड़ेगा? हाँ बेटा, दोस्ती कर लो अपना साथ और अपन अपने घर में सा बेटा। आज तक मैं तेरा बातों को नहीं करता हूँ। सबसे पहले अमर सिंह बादशाह से बात करो। ठीक है भैया। हमारे बात मान लो और तू अपने अपना घर बसा लो और तू दोनों अपने हाथ बढ़ा के दोस्ती लगा लो बेटा। जोर बराबर है। हाँ बेटा, इसलिए तोरे को दोस्ती करना पड़ेगा। हाँ बेटा। हाँ दुर्गा, मैं तो रुदन को साथ इस बात बहुत गद्दारी किया हूँ, क्योंकि उसका भाभी को उठा कर मैं अमरपुर में लाया और इंदल कुमार को काल आग से डस करवाया था। देखा बेटा, लेकिन सारे सारे चांद इसमें माहिर सिंह का है, वही आकर मुझे सोने का बार बताया तो उसका बाप ने सोने को उठा। ठीक है बाप, अगर आप कहते हैं तो जरूर मैं दोस्ती उदल को साथ में कर सकता। तुम्हारा भाभी को उठा कर लाया, एंडल कुमार को काला दांत से डस करवाया, सारे उड़िया बोले माहिल सिंह को गले में किया था, वही आकर के मुझे इतना आकर चढ़ाया बहाया ताकि तेरा साथ में खड़ा कर। क्या ये सब खेल का मालिक माहिल सिंह है? क्या नहीं? रुदन सिंह को चांदू ने महेश सिंह फंस जाएगा। उस दिन नाना याद महेश सिंह को नहीं दिलाया तो मैं ना रुदन सिंह नहीं। समय का तलाश करेगा रुदन सिंह। देखो इस बात जब रुदन सिंह को अमर सिंह बादशाह का दोस्ती होगा तो महेश सिंह रुदन का दुश्मन है, अमर सिंह बादशाह को भी दुश्मन है। लेकिन लगता नहीं है वो जलाल अमरपुर तक पहुंच गया होगा।
दर्ज करवाया था, एक बार मुझे माफी मांगने के लिए एक बार मुझे दोस्त और इस वक्त मुझे तो क्या नहीं गलती को जो प्रायश्चित कर ले उस वही सच्चा इंसान होता है। इंद्रजीत बेटा इंद्रजीत दोस्त भाभी तो क्या इस बात दिलदल कुमार को बुलाओ, इंद्रजीत को बुलाओ ताकि छोटे पुत्र को सामने जाकर मैं क्षमा मांग सकूं। क्या नहीं इंद्रजीत ये समझ आओ बेटा इंद्रजीत और भाभी सोना को लेकर जाओ। इस वक्त जो है मैं दोनों भाई सिर्फ यहाँ तक आया हूँ पिताजी। क्या अभी सोना सच मुझे राज भावा पहुँच गया? हाँ पिताजी। चलो ठीक है जनसंघ हो जाओ दस ऐसा अभी सोना और कुर्द नहीं आया है वो राज भावा चला गया है। सबसे अच्छा होगा सब मिलकर के यहाँ से राज मोहब्बत चलना चाहिए। लेकिन इस बात की दल को बुलाओ एकदम देखो अब यह तेरा दुश्मन नहीं तेरा दोस्त चाचा है जाकर के प्रणाम करो। चलो मैं आपको भी साथ चलता हूँ।